हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है दोस्तों। आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ बिल्कुल एक न्यू वीडियो, और ये वीडियो आपको जो है यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और ये वीडियो पहले कभी किसी ने आज तक नहीं दिखाया कि मेडिकल बॉक्स में कैसे इसका जो है फ्लैश फाइल रीड हो सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ में MI Redmi Note 3 का ये मोबाइल है, और इस मोबाइल का फ्लैश फाइल हम अपने मेडिकल बॉक्स से जो है रीड करेंगे, वो भी ADL मोड के जरिए से। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और अभी तक आपने इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया, तो इस घंटे को आप जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको एक तरफ मोबाइल दिखा रहा हूँ, एक तरफ अपना मेडिकल टूल दिखा रहा हूँ, और एक तरफ आपको जो है कंप्यूटर का डिवाइस मैनेजर दिखा रहा हूँ। और ये तीनों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं MI का Redmi Note 3 मोबाइल है, और इस मोबाइल में हमें जो है इसका जो फ्लैश फाइल है अपने कंप्यूटर में हमें जो है इसे रीड करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले हमें इस मोबाइल को जो फास्ट बूट मोड पे लेके जाना होगा। तो फास्ट बूट मोड पे लेके जाने के लिए हमें इसका जो है वॉल्यूम माइनस और वॉल्यूम पावर की जो है एक साथ में प्रेस करना है, और ये मोबाइल जो ऑटोमेटिकली फास्ट बूट मोड पे चला जाएगा। उसके बाद हमें डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है अपने कंप्यूटर में, और जब हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे ADB इंटरफेस का जो है ड्राइवर है वो कंप्यूटर में हमारे इंस्टॉल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे डिवाइस मैनेजर में ADB इंटरफेस शो करने चाहिए, ठीक है। जब ADB इंटरफेस शो करेगा तो उसके बाद आप यहाँ देखते हैं एक तरफ फास्ट बूट में मोड पे हमारा मोबाइल है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रॉइड ADB इंटरफेस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जब ये शो करेगा उसके बाद इस मोबाइल को आप जो है अपने जो है मेडिकल टूल में चेक कर लें सबसे पहले कि ये मोबाइल जो कम्प्लीट अच्छी तरह से बूट हुआ है कि नहीं। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं क्वेलकम टूल में। क्वेलकम टूल में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन है। चलिए हम यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक कर देते हैं। अनलॉक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रीड इन्फो को चेक करने का ऑप्शन है। तो चलिए यहाँ पे हम फास्ट बूट सेलेक्ट कर लेते हैं। फास्ट बूट सेलेक्ट करने के बाद चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसका इन्फो हम देखेंगे कि ये मोबाइल हमारा कंप्लीट जो है हमारे मेडिकल टूल से बूट किया कि नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये मोबाइल जो है कंप्लीट जो है फास्ट बूट मोड के जरिए से हमारा मोबाइल बूट कर चुका है। अब इस मोबाइल में हमें चले जाना है यहाँ पे रिपेयर में। अब रिपेयर में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें इस मोबाइल को लेके चलना है ADL मोड में। तो ADL मोड में कैसे हम लेके चलेंगे इस मोबाइल को, तो ADL मोड में ले जाने के लिए हमें यहाँ पे फास्ट बूट मोड सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे जब हम फास्ट बूट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं रिबूट ADL मोड फ्रॉम फास्ट बूट, ठीक है। इस पर हमें चेक लगा देना है। इस पर चेक लगाने पर हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है, और जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा मोबाइल ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, और हमारे डिवाइस मैनेजर में जो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेलकम का लोडर जो है शो करने लगेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं हमारे डिवाइस मैनेजर में जो है यहाँ पे क्वेलकम का जो USB QD लोडर 9008 जो है ये हमारे यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये मोबाइल जो है फास्ट बूट में था, और फास्ट बूट में हमने इसको जो रिबूट किया जो है ADL मोड में, ठीक है। तो हमारा मोबाइल ये ADL मोड में जा चुका है। चलिए अब इस मोबाइल का हम फ्लैश फाइल को जो है रीड करते हैं। तो रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे पोर्ट पे क्लिक करना है, हमें जो है अपना QD लोडर सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर डायरेक्टली हम फ्लैश फाइल रीड करेंगे तो ये रीड नहीं होगा, इससे पहले हमें इसका जो पार्टीशन जो है ओपन करना होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे डायरेक्टली रीड नहीं करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमने रीड किया, रीड नहीं हुआ। चलिए फिर से हम यहाँ पे QD लोडर को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं रीड पार्टीशन यहाँ पे हमें चेक लगा देना है। और जैसे यहाँ पे हम चेक लगा के उसके बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे इसका जो पार्टीशन ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सारा सारा इसका यहाँ पे जो है फाइल दिखा रहा है। उसके बाद हमें कौन सी फाइल को सिलेक्ट करना है, मान के चलिए अगर हम सिस्टम फाइल को ही अगर सिर्फ रीड कर सकते हैं, चाहे हम रिकवरी फाइल को ही रीड कर सकते हैं, या चाहे तो हम सारी की सारी फाइल को रीड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपको जो फ्लैश फाइल कहाँ पर सेव करना है, अपने कंप्यूटर किस ड्राइव में सेव करना है। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे एक नए फोल्डर बना देते हैं, और इस नए फोल्डर में हम यहाँ पे ओके पे कर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये फाइल जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फाइल जो है फ्लैश फाइल ये रीड हो रहा है हमारे मेडिकल टूल में। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लैश फाइल जो रीड होकर के हमारे डेस्कटॉप पे जा रहा है, तो हमारे डेस्कटॉप पे जगह होनी चाहिए काफ़ी जो खाली होनी चाहिए, क्योंकि ये फाइल कभी कभी क्या होता है 10 से 15 GB का फाइल होता है, और रीड होने में कम से कम इसे 1 से लेकर 1.5 घंटे तक का जो समय लगता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि इतना समय लग रहा है और इतनी GB का फाइल है, तो आप इसके लिए टेंशन ना लें। और इस फ्लैश फाइल को जब भी आप रीड करें किसी भी MI फ़ोन का, तो किसी भी क्वेलकम लोडर का फाइल अगर आप जब सेव करें अपने कंप्यूटर में, तो उसे कंप्लीट पूरी तरह से जो है उसे रीड होने के लिए दें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।